हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल NTA नेट क्लासेस। और मैं यहाँ निकिता राजपूत आपको ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ पेपर के पर्पस से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज इस टॉपिक में हम डोमेन नेम, मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको टॉप लेवल के जो डोमेन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डोमेन्स हैं। पहले हम जानेंगे डोमेन्स होते क्या हैं। जो आपकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के जो एड्रेस होते हैं जिसमें कि नेम्स होते हैं, एग्जाम्पल में www.google.com। तो जो आपको .com जो आपका एड्रेस है, ये आपका डोमेन नेम होता है। अलग अलग वैरायटीज़ की साइट्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट की डोमेन्स लॉन्च करती हैं, उनके अलग वेबसाइट होती है, उसके थ्रू वो वेरीफाई किए जाते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए ये वेबसाइट बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है .bitnet। तो जो आपका .bitnet है आपका, ये मोस्टली यूज़ होता है जो आपके बिटनेट नेटवर्क्स होती हैं उनके लिए ये वेबसाइट एड्रेस यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका .com। यहाँ .com में हम जानेंगे कि जो आपका ओरिजिनली स्टूड फॉर कॉमर्शियल, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बनी होती हैं और उनका मेनली जो फंक्शन है, जो वर्क करना होता है, वो कॉमर्शियल पर्पस होता है, तो वो उसके लिए वेबसाइट क्रिएट कराते हैं, तो वहाँ पर .com मेंशन होता है। और ये जो आपके टॉप लेवल डोमेन्स में हैं, तो ये आप देखेंगे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं मेनली .com यूज़ करती हैं, तो ये बहुत ही फेमस आपका डोमेन है। नेक्स्ट है आपका .intnet। तो जो .intnet है ये आपका मेनली यूज़ किया जाता है जो इंटरनेशनल साइट्स होती हैं आपकी NATO साइट्स, इनके लिए मेनली इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका .edu। तो जो आपका edu है, ये आपकी जितनी भी एजुकेशनल पर्पस से साइट्स बनाई जाती हैं उनके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। एजुकेशन की साइट्स होती हैं, जितने भी एजुकेशन के आपके वेबसाइट बनी होती हैं उनकी साइट्स हमेशा .edu करके होती है, एडू भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका .gov। .gov जो आपका है, ये आपकी जितने भी गवर्नमेंट्स के साइट्स होते हैं इनके लिए ये डोमेन नेम मेंशन किया गया, जैसे कि अलग ही आपको मेंशन हो जाता है कि ये गवर्नमेंट्स के किसी पर्पस से तैयार किया गया साइट है। नेक्स्ट है आपका .mil। .mil आपका जो मिलिट्री से संबंधित जितनी भी रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, ये इसके लिए .mil का यूज़ किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा जो डोमेन है किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप इसका याद रखिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि किस तरीके का ये डोमेन है। नेक्स्ट आपका .org। .org जितने भी आपके नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉन कमर्शियल, उसके लिए .org है। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी टॉप लेवल डोमेन्स थे यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, 2 स्लाइड्स में मैंने बताए हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मेनली आपके सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं। आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको यूटिलाइज सिस्टम भी कहते हैं, आप इसके विदाउट आप अपना जो भी आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर, उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। यानी मेन फंक्शन जो होता है विंडोज़, आप अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के आप नहीं कर सकते। तो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं,
कौन से आपके, तो इसके बारे में तो हम यहाँ पर देखेंगे वर्जन है, ये यहाँ पर वर्जन दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, जैसे कि आपकी विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है, ये विंडो विस्टा है और आपका विंडोज़ XP है। तो ये जितने भी आपके विंडोज़ हैं 8, 7, विस्टा, ये सब वर्जन्स होते हैं, इसमें अपडेट्स होती हैं जनरेशन के थ्रू, मॉडिफाई कर दिए जाते हैं जिसके थ्रू नए नए फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं और इसमें स्पीड्स। तो यहाँ पे आपके एप्पल मॉक, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम OS, ब्लैकबेरी टैबलेट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है आपका, और विंडोज़ 2000 भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपके मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र। तो जो आपके मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र आप विदाउट इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। आजकल जो लैपटॉप आते हैं उसमें इंस्टॉल हुए आते हैं आपके माइक, ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोर, ये आपका इंस्टॉल हुआ आता है। बाद बाकी आप ये हैं आपके मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर, एप्पल सफारी, ओपरा ब्राउज़र, ये सभी आपके मेन पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं जिसका आप यूज़ वेबसाइट को सर्च करने, आपको जो भी ऑनलाइन मटेरियल जो भी सर्च करना है पहले आपको इन ब्राउज़र पर जाना होता है। तो आप ये, आपको ब्राउज़र सभी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप इनको डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हैं। सो होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो। इसी तरह आप मेरे इस चैनल से बनी रहिए, मैं आपके लिए और भी एंटी नेट पेपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ प्रोवाइड करूँगी। और आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।